हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। तो पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि मरीजों की संख्या बढ़ी है, इसे देखते हुए लॉकडाउन खत्म करना यानी इन्फेक्शन बढ़ाने वाली बात होगी। आपको बता दें कि हमें जानकारी मिल रही है कि आज दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला हो सकता है और इसके बाद औपचारिक ऐलान होगा। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ चुके हैं। जगविंदर, आपको और क्या पता चल पा रहा है इस खबर को लेकर, और क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, लॉकडाउन की तारीख लाजमी तौर पर बढ़ेगी। सिर्फ पंजाब सरकार ये एहतियात बरत रही है कि ये फसल का सीजन है, 14 अप्रैल के बाद फसल जो है मंडियों में पहुंचनी शुरू होगी और सरकार ने 31 मई तक का टारगेट दिया है कि सारी फसल वो किसानों से खरीद लेंगे। 3800 मंडियां बनाई गई हैं। लेकिन लॉकडाउन की बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि अमरिंदर सिंह कहते हैं कि ये सितंबर महीने तक इसका प्रभाव रहेगा कोरोना का। उन्होंने सारी की सारी वो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट दिखाई है, अगर सितंबर तक प्रभाव रहेगा तो ये बात अपने आप में लाजमी है कि लॉकडाउन बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि एक्सपर्ट कहते हैं कि 58% तक की जो आबादी है वो इससे प्रभावित हो सकती है। ये दूसरा सिम्टम है कि उन्होंने इसको बढ़ाना ही बढ़ाना है। तीसरी बात ये है कि शायद कैबिनेट मीटिंग से पहले एक सरकारी चिट्ठी में एबीपी न्यूज ने इस बात का जिक्र कर दिया था। उस चिट्ठी के 8वें पॉइंट में ये बात 2 दिन पहले लिख दी गई थी कि कर्फ्यू की स्थिति जो है वो 30 अप्रैल तक बढ़ाई जाती है, जो पहले 14 अप्रैल तक थी। वो रिपोर्ट आने के बाद शायद चीफ मिनिस्टर खुद इस बात को अनाउंस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में इसको चर्चा के बाद अनाउंस करने का फैसला लिया है। अदरवाइज प्रिंसिपली ये सरकार पहले ही तय कर चुकी थी कि लॉकडाउन की स्थिति बढ़ेगी, और अमरिंदर सिंह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मसले पर बेहद ज्यादा गंभीर लगे। बिल्कुल, मैं जगविंदर दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा दर्शकों को पहले सुनवा देते हैं क्या कहा इस बारे में मुख्यमंत्री ने। कोई बता रहा था कि जयपुर में एक आदमी ओमान से आया और उसके 97 पीपल वर फाउंड टू बी इन्फेक्टेड बाय हिम। सो इस तरीके से अगर इन्फेक्शन बढ़ती रही तो नेचुरली इट कैन स्प्रेड वेरी फास्ट। दैट इज व्हाई हम इसको वी विल हैव टू सीरियसली थिंक अबाउट इंक्रीजिंग दिस लॉकडाउन एंड दिस कर्फ्यू इन द स्टेट। तो आपने सुना कैप्टन अमरिंदर सिंह को, मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल भी लगातार जुड़े हुए हैं। जगविंदर, जिस तरीके की भाषा बोल रहे मुख्यमंत्री, उससे यह तय लग रहा है कि वहां पर इसे बढ़ाया ही जाएगा लॉकडाउन को। बिल्कुल, और पिछले 1.5 हफ्ते की आप रिपोर्ट देखें तो 131 मरीज हो गए हैं, जो कभी 20-25 हुआ करते थे। 11 डेथ हो चुकी हैं पंजाब में, तो ये बढ़ाना लाजमी भी है और बढ़ाना भी चाहिए। सिर्फ किसानों को रियायत दी जाएगी, जिन किसानों को मंडियों तक आना है। बहुत बड़ा पंजाब का जो है अनाज के ऊपर दारोमदार टिका होता है, बहुत इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं किसान, इसलिए उनकी फसल खराब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए किसानों को छूट रहेगी मंडियों तक आने की। उनको पास दिए जा रहे हैं, गाँव गाँव पास दिया जा रहा है। जब किसान का नंबर आएगा, उस गाँव का नंबर आएगा, वो अपना मंडी में आएगा, अनाज बेचेगा, वहां अधिकारी रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ऐसा एक लंबा चौड़ा खाका तैयार कर लिया गया है। उसके अलावा मुझे लगता है लॉकडाउन बढ़ेगा, लाजमी तौर पे बढ़ेगा। अमरिंदर सिंह की उन विदेशी रिपोर्टों का हवाला देना ये अपने आप में तय करता है। ये कहना कि जुलाई अगस्त तक तो इसका असर और ज्यादा बढ़ने वाला है, तो इसे देखते हुए हम ये लाजमी तौर पर ये मानकर चल रहे हैं कि आज शाम तक लॉकडाउन बढ़ाने की पंजाब में आदेश आ जाएंगे, कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश आ जाएंगे। इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें। जगविंदर पटियाल, फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।